अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शन, फंक्शन कैसे डिक्लेयर किया, फंक्शन, फंक्शन का नाम, फिर उसके अंदर फंक्शन की बॉडी। उसके बाद हम लोग इसमें देखे थे कि पैरामीटर्स होते हैं कई ढेर सारे, फंक्शन को कॉल कैसे करना है, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट्स, इनके अंदर अगर आर्गुमेंट्स है तो हम लोग आर्गुमेंट डाल सकते हैं, इनके अंदर अगर कुछ लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट, इनके अंदर अगर हम लोग कुछ लिखेंगे तो उनको बोलते हैं पैरामीटर्स। लोकल वेरिएबल क्या होता है, इस फंक्शन के अंदर, इस ये जो स्कोप है फंक्शन का स्कोप जो है, इसके अंदर अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो इसी के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हो, इसके बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। आउटर वेरिएबल क्या होगा, अगर आप इस फंक्शन के बाहर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो यूजिंग लेट कीवर्ड, तो आप सिर्फ उसको बाहर, उसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, मतलब वो क्या हो गया ग्लोबली डिक्लेयर हो गया, आप उसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे भी। ठीक है, क्या लिखा, फंक्शन हैज़ फुल एक्सेस टू द आउटर वेरिएबल। हाँ, अगर आप आउटर वेरिएबल क्लियर करोगे तो फिर फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इसका सॉल्यूशन, इसका इसको रन करके देखते हैं क्या किया यहाँ पे। अलर्ट करना है इसको यूज़र नेम को, यूज़र नेम क्या है जॉन, तो पहले क्या ये आएगा जॉन आएगा, जॉन आया, उसके बाद क्या बोल रहा है शो मैसेज। अब ये फंक्शन में जाएगा और यहाँ पे अलर्ट क्या करेगा, हेलो जॉन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जॉन का नाम चेंज होके बॉब हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो रहा है, हेलो बॉब। उसका थर्ड क्या आएगा, अलर्ट यूज़र नेम। अब इस केस में क्या आएगा, हमारा जो यूज़र नेम था वो मॉडिफाई हो गया था इस फंक्शन की वजह से, तो यहाँ पे क्या आएगा, बॉब आएगा जॉन आने की जगह। ठीक है, ये सारे क्लियर हो गए। अब यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल ये होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं शेडोइंग। क्या बोलते हैं, सेम नाम के दो वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, हम लोग सेम नाम के दो वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेट यूज़र नेम किया है और इसका नाम क्या दे दिया है, जॉन। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पे दोबारा लेट यूज़र नेम नहीं कर सकते, कर सकते हैं यहाँ पे दोबारा कर सकते हैं, बट इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं शेडोइंग, शेडोड वेरिएबल है ये। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। है किसी को कोई डाउट? ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा अलर्ट करके, हमने इसको अलर्ट करा दिया, ये सारे हो गए थे। ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल दोनों पता है ना क्या होता है, दोनों के दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्या अगर हम लोग किसी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो क्या हम उसको उसके बाहर एक्सेस कर सकते हैं? शिवानी नहीं कर सकते ना। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था शेडोड वेरिएबल। शेडोड वेरिएबल क्या होता है, सेम नाम का दो वेरिएबल। अब देखते हैं आगे, पैरामीटर्स लिखा है भाई फंक्शन के अंदर, पैरामीटर्स इसने डाल दिया, एक फ्रॉम डाल दिया, एक टेक्स्ट डाल दिया। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स दिए, एक एन और एक हेलो। ठीक है, यहाँ पे एन गया, तो ये एन कहाँ पे पास होगा, इस फ्रॉम में, तो इस फ्रॉम की जगह पे क्या आ जाएगा, एन। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एन प्लस एन कोलन हेलो, आया ना एन कोलन हेलो। नेक्स्ट हमारा क्या, एन कोलन व्हाट्सएप। ओके, चलो आगे देखते हैं। व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड इन लाइन्स डैश डैश, कौन सी लाइन है, की वाला लाइन, तो हमारा जो गिवन वैल्यू था आर कॉपी टू लोकल वेरिएबल्स। ये जो वैल्यू है ये कॉपी हो गया किसमें, लोकल वेरिएबल में, इनका लोकल वेरिएबल कौन सा है, फ्रॉम और टेक्स्ट। तो ये जो वैल्यू है वो उसमें कॉपी होके वहाँ पे चला गया, फिर वहाँ से वो क्या कर दिया, वो अलर्ट कर दिया।
ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ पैरामीटर इज़ द वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। यही बात मैंने बोली थी कि फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर जो तुम्हारी पैरेंथेसिस होती है उसके अंदर अगर हम लोग कुछ लिखते हैं, कुछ जैसे कि ये लिखा हुआ है फ्रॉम और टेक्स्ट, तो ये क्या होती है, हमारी पैरामीटर्स होती हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको कॉल करते हैं, टाइम यूज़ करते हैं, जो एन आर्गूमेंट इज़ द वैल्यू दैट इज़ पास टू द फंक्शन व्हेन इट इज़ कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एन और व्हाट्सएप क्या हमारे आर्गूमेंट हैं, फ्रॉम और टेक्स्ट के हमारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब अगर कोई फंक्शन कॉल हो रहा है लेकिन अगर उसमें हम लोग कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना चाहते हैं कि नहीं हम यहाँ पे उसको वैल्यू नहीं देंगे, जैसे यहाँ पे एन लिखा हुआ है और इसको सेकेंड जो वाला जो आर्गूमेंट है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट यहाँ पर तो सेकेंड पैरामीटर था, तो हम लोग ऐसे केस में क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो पैरामीटर है हम लोग उसको एक डिफ़ॉल्ट, उसको हम लोग क्या देंगे, एक डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट देंगे विच इज़ नो टेक्स्ट गिवन। तो अगर हम लोग उसको कॉल नहीं भी करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एन के साथ क्या प्रिंट होगा, नो टेक्स्ट गिवन। तो ये क्या हो गया, हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गया उस पैरामीटर का, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कुछ लिख देते हैं कि एन के बाद कॉमा दे करके अगर कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को नहीं लेगा, ये उस वैल्यू को लेगा जो हम लोग आर्गूमेंट के थ्रू कॉल करेंगे, और उस आर्गूमेंट को कॉपी करके अपने टेक्स्ट वाले वेरिएबल में डाल के फिर वो वाले चीज़ों को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ इफ़ द टेक्स्ट पैरामीटर इज़ नॉट पास्ड इट विल गेट द वैल्यू नो टेक्स्ट गिवन, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑल्सो जम्प्स इफ इन इफ़ द पैरामीटर एग्जिस्ट बट स्ट्रिक्टली इक्वल्स अनडिफाइंड लाइक दिस। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे अनडिफाइंड लिखेंगे तो भी क्या हमारा प्रेजेंट होगा, नो टेक्स्ट गिवन, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हियर नो टेक्स्ट गिवन इज अ स्ट्रिंग बट इट कैन बी अ मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन विच इज़ ओनली इवैल्यूएटेड एंड असाइंड इफ द पैरामीटर इज मिसिंग। तो यहाँ पे इसने स्ट्रिंग की जगह किसी और फंक्शन को दे दिया, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए हम लोग किसी और फंक्शन को डाल सकते हैं, फिर उस फंक्शन को हम लोग कहीं और बना लेंगे, फिर अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स में किसी को कोई डाउट है, है किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इन ओल्ड जावास्क्रिप्ट कोड, ओल्ड जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से कहते थे कुछ कि इफ टेक्स्ट इज ट्रिपल इक्वल्स टू अनडिफाइंड, ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है ये बताओ। ट्रिपल इक्वल टू हमारा, हाँ स्ट्रिक्टली चेक करता है, वो डेटा टाइप को चेक करता है उसके साथ साथ, मतलब वैल्यू तो इक्वल हो ही, साथ साथ उसका डेटा टाइप भी क्या हो, हमारा इक्वल हो। तो यहाँ पे इफ टेक्स्ट इज ट्रिपल इक्वल्स टू अनडिफाइंड तो टेक्स्ट इज इक्वल्स टू नो टेक्स्ट इवन, ये हमारा पुराना सिंटेक्स था। अब नया जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसमें हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टेक्स्ट इज इक्वल्स टू नो टेक्स्ट गिवन। ये क्या है, यहाँ पे ये कैसे लिख दिया, और ऑपरेटर का इसने कैसे यूज़ कर लिया। देखो और ऑपरेटर क्या ढूंढता है, पहला ट्रूथ ही वैल्यू है ना, तो अगर हमारा टेक्स्ट अनडिफाइंड होगा उस केस में क्या आंसर आएगा, नो टेक्स्ट गिवन। करके देखते हैं, दिखाता हूँ एक सेकेंड, वेट। यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, इसको कॉपी कर लेते हैं, ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। इसको पूरा काटते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं, अलर्ट यहीं पे कर लेते हैं, वो सब काम, अलर्ट
टेक्स्ट, यहाँ पे कॉल कर देते हैं इस फंक्शन को, शो मैसेज, इसमें डाल देते हैं मक्खन, और सेकेंड पैरामीटर खाली रखते हैं। इस केस में आंसर क्या आएगा? प्लीज रन हो जाओ। बैक टिक का भी यूज कर लेता है, अब लिखते हैं फ्रॉम यहाँ पे, एक और बैक टिक का यूज करते हैं टेक्स्ट, इसको अलर्ट कराना है, फिर अलर्ट करने की जगह कंसोल डॉट लॉक कर देते हैं। क्या हो गया इसके कंपाइलर को? तो इस केस में क्या आ रहा हमारा? नो टेक्स्ट गिवन आ रहा है। अब ये क्या आ रहा है? अगर हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे तो इसका मतलब क्या होता है हमारा? अनडिफाइंड है ना, क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। अब इसको देखो, करने का अलग अलग तरीका दिखाता हूँ मैं। अब इसको कमेंट आउट करते हैं, इसकी जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि नो टेक्स्ट, अरे यहीं पे लिखा रहा है क्या, नो टेक्स्ट गिवन, ये भी सेम काम करेगा। हाँ सेम काम किया। अच्छा ये बता ना, क्या ये सेम काम करेगा जो अभी लिखने जा रहा हूँ मैं? इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका आउटपुट क्या होगा? चैट में लिख के भेजो इसका आउटपुट, जिसको पता है। मोहित कुमार क्या होगा ये, क्या है पहले ये कोई बताएगा? डबल क्वेश्चन मार्क क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर नहीं, ये बात तो सही है, कंडीशनल है, ऑपरेटर भी है, ये भी बात सही है, लेकिन कौन सा? इफ कंडीशन नहीं, ये हमारा नलिश कोलिजिंग ऑपरेटर। ये करेगा क्या? इट फाइंड्स फर्स्ट अनडिफाइंड वैल्यू, अच्छा इसमें चलता नहीं है, ये हमारे इसमें चलेगा। करते हैं रन, आंसर क्या है हमारा? स्टिल नो टेक्स्ट गिवन, क्योंकि ये फाइंड क्या किया, ये फाइंड किया हमारा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड इसको मिल गया तो इसका भी रिजल्ट क्या हुआ? सेम हुआ। ठीक है, यही पूछ रहा था मैं, क्या इससे भी सेम आया? क्या इससे भी सेम आ रहा है? और क्या उससे भी आया? सेम आ रहा है। तो ये हमारा तीन तरीका हो गया डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पे मैं ज़ीरो लिख देता हूँ, अब क्या होगा? अभी तो ये चल गया, ठीक है, अब क्या होगा? ये तो यहाँ चलता नहीं है, तो यहाँ से हटाओ पहले इसको। क्या वैल्यू आएगा इसका?
इसकी वैल्यू क्या आएगी? कोई बताएगा? नमीश, इसके वैल्यू क्या होगा? सर ये रिटर्न जीरो करेगा, जीरो रिटर्न कर दिया। सही बोल रहा है, क्योंकि इस केस में हमारा क्या हो रहा है, ये अनडिफाइंड तो है नहीं, और ये क्या हमारा नलिश कोलिजिंग ऑपरेटर है। तो नलिश कोलिजिंग ऑपरेटर क्या ढूंढता है कि अनडिफाइंड के बाद वाला अनडिफाइंड ना हो बस। तो ज़ीरो वाला अनडिफाइंड नहीं था, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा? ज़ीरो रिटर्न होगा। बिल्कुल सही जवाब। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर समझ में आ गया, कैसे कैसे हम लोग डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अल्टरनेट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू अनडिफाइंड डाल दिया, ये भी कर सकते हैं, चौथा तरीका। अच्छा यहाँ पे नलिश वाला भी यूज़ करके दिखा रहा है, ठीक है बढ़िया। अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन के अंदर रिटर्न का भी यूज़ कर सकते हैं कि मान लो अगर कोई वैल्यू तुम्हें रिटर्न करानी हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट, सॉरी रिटर्न ये क्या है, कीवर्ड है। रिटर्न लिखने के बाद लिखेंगे ए प्लस बी, तो ये क्या करेगा, इस इन दोनों का, इन दोनों पैरामीटर्स का सम निकाल देगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, रिजल्ट में क्या डाल दो, वन और टू का सम, तो वन और टू विच इज़ थ्री, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, अलर्ट होके थ्री आएगा। मल्टीपल रिटर्न्स भी हम लोग लगा सकते हैं इसमें, इफ एल्स केस लगा लगा के, ठीक है। अगर एम्प्टी रिटर्न है या फिर कुछ नहीं है इसमें, तो वो क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड। इसका एक एग्जांपल मैंने दिया था, आई गेस कहाँ पे दिया था मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट एक बार दे चुका मैं कि जहाँ पे हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग देते हैं वहाँ पर अच्छा रुको रुको रुको, ओके इसका एक डेमोंस्ट्रेशन देख ही लेते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं सम का, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करते हैं, खाली है यह। कंसोल डॉट लॉग सम जैसे रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो सम इज इफ सम डबल इक्वल्स टू ज़ीरो, ये कंडीशन चला नहीं, ट्रिपल इक्वल्स टू गलत है, स्टिल नहीं चला, ट्रू आया। जब हम लोग सिंपल सम को कंसोल डॉट लॉग किए थे, तो यहाँ पे एक फंक्शन और सम ऐसे करके प्रिंट हुआ था। अगर हम लोग कंसोल डॉट लॉग करें सम पूरे फंक्शन को, उस केस में क्या होगा, अनडिफाइंड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मतलब हमने सम में कुछ नहीं डाला, हमने कुछ रिटर्न नहीं किया है, तो इस केस में हमारा क्या प्रिंट होगा, अनडिफाइंड। फिर हमने चेक किया ट्रिपल इक्वल्स टू करके कि क्या ये अनडिफाइंड के बराबर है, तो कंसोल डॉट लॉग में क्या हो गया, ये ट्रू, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू। तो खाली फंक्शन क्या रिटर्न करता है, अनडिफाइंड। ये चीज़ हमने अभी जस्ट जस्टिफाई कर लिया, ठीक है। अ फंक्शन विथ एन एम्प्टी रिटर्न और विदाउट इट रिटर्न्स क्या, अनडिफाइंड, या अनडिफाइंड रिटर्न करता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, नेवर एड अ न्यू लाइन बिटवीन रिटर्न एंड दी वैल्यू। ये जब रिटर्न के बाद आप एंटर कर दोगे, तो यहाँ पे क्या करता है, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेता है कि रिटर्न के बाद सेमी कॉलन है, तो उस केस में भी ये क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा।
हाँ यहाँ पे अगर एक साथ करना है तो इधर आप एक ब्रैकेट लगा देना, फिर जावास्क्रिप्ट इसको सेमी कॉलन नहीं मान पाएगा, फिर आप मल्टीपल लाइन में कर सकते हो। अब यहाँ पे बताया है कि नाम कैसे देना होता है फंक्शन का, ये सब आप लोग को आता है। कैमल केस में नाम देंगे, प्रॉपर नाम देना होता है कैमल केस में, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, फंक्शन इज डबल इक्वल्स टू कमेंट्स, फंक्शन शुड बी शॉर्ट एंड डू एग्जैक्टली वन थिंग। हाँ भाई यही करो। अब इज प्राइम नंबर के लिए एक फंक्शन बनाया हुआ है, यहाँ पे इसने कॉल किया इसको, तो ये अब इस फंक्शन पे जाएगा और इज प्राइम चेक करेगा, अगर ये है ट्रू है तो फिर ये वाला फॉल्स कर देगा, फिर ये क्या करेगा कंटिन्यू करेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा है। नॉट क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, अब फॉल्स आएगा तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। यही हमारा फंक्शन है, फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। चलो भाई क्या लिखा है यहाँ पे, राइट अ फंक्शन मिन ए कॉमा बी विच रिटर्न्स द लीस्ट ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। हो जाएगा ये, हमें एक फंक्शन बनाना है जो रिटर्न करे क्या ए या फिर बी में से कौन सा छोटा है उसको। ये आपका फंक्शन है, अगर ए बी से छोटा है तो रिटर्न कर दो ए, वरना क्या रिटर्न कर दो बी। ये सारे फिर वही सब है, इनको हटाते हैं। यहाँ तक हमारा फंक्शन था, फंक्शन ख़त्म। हैकर रैंक पे गए, फंक्शन वाला एक्सरसाइज हम लोग ने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी। ये देखो हमने क्या निकाला था, फैक्टोरियल, राइट। फंक्शन के अंदर एक नाम दे देंगे, फिर उसके अंदर एक पैरामीटर दे देंगे, फिर उसके बाद इधर रिटर्न स्टेटमेंट आ गई उनकी, और यहाँ पर रिकर्शन यूज़ हुआ है टू फाइंड द फैक्टोरियल। क्या लिखा है हमने, अगर मान लो कि तुम्हारा 4 से स्टार्ट हो रहा है, मान लो पैरामीटर इज 4, तो क्या होगा 4 इंटू कमेंट बना देते हैं इसको, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पहले केस में, अगर मान लो हमने n की वैल्यू क्या ले ली 4, इस केस में क्या होगा 4 पहले चेक होगा क्या 4 0 के बराबर है, नहीं है तो वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, लिखेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट ऑफ 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया n माइनस 1, तो अब ये क्या हो गया 3, तो अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट ऑफ 2, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट ऑफ 1, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट ऑफ 0, फिर लास्ट में आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 से कुछ होगा नहीं, फिर जैसे ही यहाँ पे फैक्ट 0 होगा ये क्या करेगा रिटर्न करेगा इसको 1, ठीक है। ये रिटर्न 1 किया तो फैक्ट ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करेगा हमारा 1, तो फैक्ट ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करेगा हमारा 2, तो फैक्ट ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर ये क्या रिटर्न करेगा 6, तो फैक्ट ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, फिर ये क्या रिटर्न करेगा हमारा 24, तो लास्ट में हमारा जो रिटर्न होगा वो होगा 24, ओके, ठीक है। बस ये हमारा फैक्टोरियल हो गया। रन नहीं कर सकता इसको। क्या चीज कर लो यार रन, ये देखो सबमिट कर दिया, सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए, ठीक है, बढ़िया। लेकिन ये हो कैसे रहा है, ये हुआ क्या, ये रिटर्न उल्टा क्यों चलने लगा,
रिकर्शन में हमारा उल्टा चलने लगता है, कैसे हो, कैसे रहा है? जावास्क्रिप्ट में होता क्या है? किसी को आइडिया? रिकर्शन में उल्टा चलने लगता है क्योंकि उसमें क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके ठीक है, एक 2 मिनट देना जरा मुझे, 2 मिनट होल्ड करो। चलो आई एम बैक। अब होता क्या है, जावा स्क्रिप्ट हमारी बेसिकली काम कैसे करती है, ये है हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, क्या जावा स्क्रिप्ट काम कैसे कर रही है ये हम लोग देखेंगे। फंक्शन बनाने आ गया ना, बढ़िया। जावा स्क्रिप्ट हमारी एग्जीक्यूट कहाँ होती है? जावा स्क्रिप्ट इंजन पे, गूगल क्रोम के केस में वो इंजन कौन सा है? V8 इंजन है। ठीक है, होता क्या है, जावा स्क्रिप्ट इंजन जो हमारी है वो क्रिएट करती है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। क्या क्रिएट करती है? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। कब? बिफोर इट स्टार्ट टू एग्जीक्यूट एनी कोड। समझ में आया? जावा स्क्रिप्ट इंजन क्या करती है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करती है बिफोर स्टार्टिंग टू एग्जीक्यूट। मान लो कि अगर मैं कोई कोड लिखता हूँ और मैं उसको रन करता हूँ, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, पहले एक उसके पहले एग्जीक्यूशन के पहले ही क्या करेगी, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर देगी। करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही क्रिएट हो जाता है। उसको आप लोग ऐसा कह सकते हो कि वो एसोसिएटेड होता है विथ ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स। करते हैं स्टार्ट, जैसे कि दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड यहीं पे खोल दे क्या, कंट्रोल शिफ्ट आई करके। अगर हम यहाँ पे लिखें दिस इज ट्रिपल इक्वल्स टू, क्या यहाँ पे नहीं है? या फिर हम लोग यहाँ पे लेट कर देते हैं कुछ, नेम नेम इज इक्वल विंडो। इसमें ढूंढना ही दिमाग खराब करने वाला काम है, छोड़ो। इस केस में क्या होगा ना, हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा, जिसको भी देखते हैं।
बेसिकली होता क्या है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में हमारा, जैसे मैं एक कोड लिखता हूँ तभी समझ में आएगी चीज़ें। कोड लिख के कहाँ पे कोड लिखूँ, यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया वैर से, ये पुराने वाली जावास्क्रिप्ट की सिंटैक्स है, नई से भी बना सकता है। तो वेरिएबल मैंने दिस बोल दिया इज इक्वल्स टू विंडो, ठीक है। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन का नाम दे देते हैं, क्या नाम दें इसको, एक्स नाम दे देते हैं। फिर इसको अंदर एक और वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर क्या नाम दें, एफ एक्स दे देते हैं। चलो के अंदर लिखते हैं सेकंड फंक्शन, और इसके बाद लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग एक्स, सॉरी एफ एक्स। अभी फिलहाल के लिए देखते जाओ क्या हो रहा है, थोड़ी देर में समझ में आएगा। मैं फिर एक और फंक्शन बना देता हूँ वाई नाम से, उसको यहाँ पे बना देता हूँ फंक्शन वाई कंसोल डॉट लॉग करेंगे, इसमें क्या लिखते हैं सेकेंड फंक्शन, इसको पार्ट टू लिख देते हैं, ऊपर वाले को पार्ट वन लिख देते हैं। फिर बी ये जो लो है, ये क्या किसको कॉल करता है, ये जेड को मान लो कॉल कर रहा है, ये एक और फंक्शन बना देता है। यहाँ पे काम करते हैं डीबगर लगा देते हैं, यहाँ पे किसको कॉल करते हैं एक्स को, ये फंक्शन कॉल हुआ तो उसके आगे लिखते हैं कंसोल मैं कब आऊँगा। अब बताओ कौन सा पहले प्रिंट होगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। इसको अभी इस लाइन को थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको भी कुछ मत मानो, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। फंक्शन समझ में आ गया, कौन सा लाइन पहले प्रिंट होगा ये बताओ, आउटपुट क्या आएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग। पहले क्या प्रिंट, वैल्यू बताओ ना, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है, पहले वैल्यू बताओ। आशीष बोल रहा है, क्या बोल रहा है आशीष, वैल्यू बताओ पहले कौन सा प्रिंट होगा, पहले प्रिंट होगा क्या, तो पहले सेकंड प्रिंट होगा, ठीक है। तो पहले इसके अकॉर्डिंग, अरे यहाँ पे फर्स्ट होगा भाई, फर्स्ट लिख दिया, तो फर्स्ट लिख देते हैं फिलहाल के लिए, बस इतने काफ़ी है। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, अरे लॉग है ये, इसमें फंक्शन की क्या जरूरत है। यहाँ पे पहले आशीष ने बोला फर्स्ट प्रिंट होगा, उसके बाद क्या प्रिंट होगा,
मैं कब आऊँगा ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद क्या प्रिंट होगा? चलो मैं बताता हूँ, चलो मैं कब आऊँगा उसके बाद सेकंड प्रिंट होगा क्या, उसके बाद थर्ड प्रिंट होगा क्या? आशीष के अकॉर्डिंग ये है। और कोई अपना जवाब देना चाहता है? होता क्या है ना, जब जावास्क्रिप्ट हमारी रन होती है तो वो क्या क्रिएट करती है, पहले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करती है, ठीक है? एक एग्जीक्यूशन स्टैक होता है, उसके अंदर क्या क्रिएट करेगी ये, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब होता क्या है इसमें, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये जो जेड वाली है ना, जेड वाली का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। नहीं, सबसे पहले तो एक ग्लोबल, जो मैंने अभी बोला था कि बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉन्स्टेक्ट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है ग्लोबल, उसके बाद हमारा ये पहला वाला फंक्शन है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, राइट? उसके बाद ये दूसरा फंक्शन है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, उसके बाद ये तीसरा फंक्शन है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। लेकिन ये प्रिंट कैसे होगी, ये है मेन क्वेश्चन, कि ये प्रिंट कैसे हो रही है। चलो करते हैं इसको रन, सेव करते हैं, इसको भी सेव कर लो भाई, यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट भी लगा ही लेते हैं पुराना। चलो कॉपी कर लिया इसको, एक काम करते हैं इसमें किसी एचटीएमएल फाइल में डाल देते हैं इसको। इसको उड़ाओ, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? कॉल स्टैक दिख रहा है यहाँ पे, मैंने डिबगर को चालू कर दिया। मैं पेज वापस से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है यार, यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। चलो पेज रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक मैंने जो जहाँ पे डिबगर लगा हुआ था वहाँ पे एक पॉज आ गया है। अब यहाँ पे देखो, कॉल स्टैक में एक ग्लोबल स्टैक यहाँ पे क्रिएट हुई है, दिख रहा है एनोनिमस नाम से। यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्लोबल स्टैक क्रिएट हुई एनोनिमस नाम से। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? अब ये क्या हुआ, एक्स वाला जो फंक्शन है उस पर गया, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ, क्या हुआ, ये
कहाँ पहुँच गया, वो यहाँ पे भी डीबगर लगानी पड़ेगी। कंसोल कहाँ है? ये आया इसका रिजल्ट, दोनों एक साथ कैसे दिखेगा? आशीष ने क्या बोला था? आशीष ने बोला था फर्स्ट पार्ट आएगा, फिर बोला था मैं कब आऊँगा, फिर बोला था सेकंड, फिर बोला था थर्ड, बट आया क्या यहाँ पे? मैं कब आऊँगा लास्ट में आया, ये हुआ कैसे? काम करते हैं, हर जगह डीबगर लगा देते हैं। एक डीबगर यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारा स्क्रिप्ट फाइल, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? स्क्रिप्ट फाइल, हाँ ठीक है। ये पॉज कहाँ पे हो गया? इस वाले डिबगर पे। यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? एक कॉल स्टैक क्रिएट हुआ, ठीक है। ये क्या हमारा ग्लोबल कॉल स्टैक है, ये विंडो ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट। ये कॉल स्टैक क्रिएट हुआ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप गया ये एक्स पर, उस केस में क्या हुआ? इसको अलग से निकाल सकते हैं क्या हम लोग? उस केस में अभी तक यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया है। फिर नेक्स्ट स्टेप करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या क्रिएट हुआ, एक एक्स वाला क्रिएट हुआ, यहाँ पे हमने डीबगर लगाया था बट वो डीबगर कॉल नहीं हुआ ना। डीबगर अगर हम लोग इसके पहले लगाए होते, यहाँ पे लगाए होते कहीं पे, तब दिखता। मेरे को दोनों जगह लगा देते हैं। ओके, वापस से देखो, हमने हर जगह डिबगर लगा दिया। डिबगर किस लिए यूज़ करते हैं? इसको डीबग करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे? पॉज करेंगे हर जगह। अब ये कहाँ पे पॉज है? अब ये यहाँ पे पॉज है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है डीबगर, ठीक है। यहाँ पे भी पॉज हुआ पड़ा है, यहाँ पे ग्लोबल स्टैक क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप करेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये एक्स वाले फंक्शन पे अभी कॉल होने वाला है। एक और नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये क्या हुआ यहाँ पे? ये क्रिएट हो गया, एक्स नाम का एक कॉल स्टैक क्रिएट हो गया। ये हमारा एक्स फंक्शन था, ठीक है। एक्स नाम का एक कॉल स्टैक क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्स्ट फंक्शन पार्ट यहाँ पे एफ एक्स के अंदर आ गया। ये लोकल स्कोप है हर फंक्शन के अंदर। ये क्या हमारा, ये क्या है? लोकल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप में क्या था हमारा? जो वेयर दिस विंडो था ना, अगर हम इसको करते हैं तो वो आ जाता ग्लोबल स्कोप के अंदर। वो हमने हटा दिया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये हमारे लोकल स्कोप के अंदर क्या आ गया? यहाँ पे अभी दिस अनडिफाइंड है ना, रुको कर ही दो यार। ये अलग से एरर्स दिखा रहा है, क्या बोल रहा है? छोड़ो यार, रन दो। ठीक है, यहाँ पे पॉज है। फिर इसको हमने नेक्स्ट किया, एक्स फंक्शन पे गया, यहाँ पे एक स्टैक क्रिएट हुआ एक्स नाम का। फिर यहाँ पे लोकल जो एफ एक्स के अंदर क्या वैल्यू आ गई? फर्स्ट फंक्शन पार्ट वन। फिर हम लोग एक बार और इसको करते हैं, फिर क्या होगा हमारा? कंसोल डॉट लॉग होगा। कंसोल पे जाके देखते हैं, अभी हुआ नहीं है। जैसे ये स्टेप हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट किए, ये देखो कंसोल पे फर्स्ट फंक्शन प्रिंट हो गया। अब ये कहाँ पे आया? वाई पे आया। अभी वाई स्टैक क्रिएट नहीं हुआ है, जैसे ही हम लोग नेक्स्ट करेंगे वाई स्टैक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्टैक कहाँ आ गया? नीचे आ गया। सबसे नीचे क्या आ गया? ग्लोबल स्टैक। उसके ऊपर आ गया एक्स वाला स्टैक, उसके ऊपर क्या आ गया? वाई वाला स्टैक, ठीक है। अब यहाँ पे डीबगर ऑन है। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट करेंगे तो कहाँ पे जाएगा? ये कंसोल डॉट लॉग पे, ठीक। कंसोल डॉट लॉग करते हैं, यहाँ पे कंसोल पे जाते हैं। देखो सेकेंड वाला फंक्शन पार्ट टू प्रिंट हो गया। मैं कब आऊँगा प्रिंट नहीं हुआ, क्या प्रिंट हुआ?
सेकेंड फंक्शन पार्ट टू प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अभी भी वाई स्टैक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, जेड स्टैक, ठीक है, जेड कॉल स्टैक यहाँ पे क्रिएट हो गया। फिर नेक्स्ट करते हैं स्टेप, अभी क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, जेड वाला प्रिंट होगा करके, ये देखो यहाँ पे अब जेड कॉल स्टैक आ गया, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, थर्ड फंक्शन पार्ट थ्री, ठीक है, यहाँ तक बढ़िया है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट किया, कहाँ पे पहुँचा ये वाई फंक्शन था, वाई फिर जेड पे गया, जेड फिर कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, गया कौन कौन सा कॉल स्टैक उड़ गया, एक कॉल स्टैक था हमारा वाई वाला, एक कॉल स्टैक था हमारा जेड वाला, ये हमारे दोनों के दोनों कॉल स्टैक उड़ गए, ठीक है। कैसे उड़े, क्योंकि ये जो हमारा थर्ड वाला है ये जैसे ही ख़त्म हुआ तो उसके ठीक बाद क्या उड़ेगा, जेड वाला उड़ जाएगा। एक काम करते हैं यहाँ पे भी एक डिबगर लगा देते हैं, अब देखते हैं ये ज़्यादा बेटर दिखेगा। ये डिबगर आया, ये एक्स, अभी एक्स क्रिएट होगा, हाँ एक्स क्रिएट हो गया, अभी वाई क्रिएट होगा, वाई क्रिएट हो गया, अभी जेड क्रिएट होगा, जेड क्रिएट हो गया, जेड वाला कॉल स्टैक क्रिएट हो गया। अब जेड वाला जैसे ही कंसोल डॉट लॉक करेगा, ठीक है, जेड ख़त्म हो गया, यहाँ से जेड उड़ गया, अब क्या बचा यहाँ पे, वाई। अब वाई वाला फंक्शन हमारा होगा, वाई उड़ गया, अब ये कहाँ पे आया, एक्स वाला। तो अब क्या देख रहे हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले उड़ेगा। जेड वाला लास्ट में पहुँचा था ना वहाँ पे कॉल स्टैक में, तो जेड वाला क्या हो गया, पहले उड़ गया, फिर हमारा वाई वाला उड़ा, फिर अब कौन सा उड़ेगा हमारा, एक्स वाला उड़ेगा। ये देखो एक्स वाला ख़त्म हुआ, एक्स वाला उड़ गया, सारे के सारे कॉल स्टैक ख़त्म हो गए, हमारा आंसर आ गया। बस ये होता है हमारा जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन का तरीका, कि कैसे वो स्कोप्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जैसे लोकल स्कोप हो गया, ग्लोबल स्कोप हो गया, सॉरी, फिर आपका कैसे आपका कॉल स्टैक क्रिएट होता है, ये सारी चीज़ें। फिर अभी हमने डीबगर का यूज़ करके देखा। इन स्टेप में किसी को डाउट है तो बताओ। डीबगर हम लोग इसको डीबग करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी एक डीबगर क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि वापस जाते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में, मान लो कि तुम्हें यहाँ पे रोकना था इसको, तो तुमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे डीबगर लगा 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 दिया। अब अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं भी लिखते हैं ना तो वहाँ पे वो पॉज हो जाएगा, ठीक है। और सर ये जो मैक अकाउंट कंसोल में था ये पहले क्यों नहीं प्रिंट हुआ, ऐसा क्या रीजन था? कौन सा सर, जो मैक अकाउंट का किया था ना पहले कंसोल डॉट लॉग, अभी तो बताया मैंने, क्योंकि ये लास्ट में कॉल होगा, समझ रहे हो, जैसे ये वाई पे गया तो ये वाई वाला फंक्शन पे कॉल हो जाएगा, उसके बाद वाई वाला फंक्शन जो है ये प्रिंट करेगा, फिर ये जेड वाले फंक्शन पे कॉल होगा, फिर ये जेड वाला फंक्शन ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये वाला कॉल स्टैक ख़त्म होगा तो ये वाला कॉल स्टैक उड़ जाएगा, फिर ये वाला कॉल स्टैक उड़ेगा, फिर जब ये वाले कॉल स्टैक पे आएगा तो ये वाई वाले पे था, अब यहाँ पे डीबगर ऑन था, फिर यहाँ पे क्या करेगा, कंसोल पे जाएगा, फिर ये वाला एग्जीक्यूशन होगा, मैं कब आऊँगा वाला, फिर ये एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद जाके हमारा ये जो पूरा का पूरा कोड है एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के साथ सब चीज़ बता दिया मैंने। हमने ब्रेक पॉइंट्स लगाए, डीबगर हमारा ब्रेक पॉइंट के लिए होता है, यहाँ यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स लगा लगा करके हमने इसको शो भी किया कि कैसे कैसे कॉल स्टैक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये मैंने डीबगर बस उसी लिए लगा था कि ताकि मैं तुमको दिखा सकूँ कि कॉल स्टैक क्रिएट कैसे हो रहा है, वरना बहुत जल्दी हो जाता है, ये नैनो सेकेंड्स में होता है, तुमको दिखता भी नहीं कब कॉल स्टैक क्रिएट हुआ, कब ख़त्म हो गया, मैंने इसको पॉज कर करके तुम्हें दिखाया। सर बेसिकली ये जो कॉल है फंक्शन की वो स्टैक में स्टोर करता है, मतलब हाँ ये क्या करता है ना, जावास्क्रिप्ट इंजन हमारा क्रिएट करता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है, लास्ट में जो आएगा वो पहले निकलेगा, तो कॉल स्टैक में जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा बाहर, ठीक है। ये फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, फंक्शन कैसे तुम्हारा एग्जीक्यूट होता है।
सारी चीज़ें फंक्शन की हम लोग ने ख़त्म कर ली, ठीक है, क्लास ओवर।